फायर मारे सर, सर जी ही फायर मारे, ही पर फायर मारे सर। हां हां इधर से तो कर दो, वो कर देता है फिर आते हैं। आ गो क्रिस्टल, ये कौन क्रिस्टल है सर? क्रिस्टल लुगाई खड़ा है, पकड़ पिया मेरे को लता है फायर मार देते सी। हां लू बने लगे हैं, एक मौके में लू बने लगे। क्या नाम है, क्या नाम है? क्रिस्टल गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमको इतला देनी थी कि आज मुश्ताक दस्ती साहब, जो जमशेद दस्ती के बड़े भाई हैं, जो साबिक एमएनए हैं, उनके भाई का आज मर्डर हुआ। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि सफदर शाह और अख्तर खेड़ा, इनके दरमियान ज़मीन का एक मसला चल रहा था बिहारी कॉलोनी में, तो उसमें पंचायत करने के लिए गए थे मुश्ताक दस्ती साहब। तो वहाँ पे इसके अहमद, जो सफदर शाह का बरखुरदार है, ये तैश में आया किसी बात पे और इसने फायर किए, जिसमें एक फायर उनको मुश्ताक दस्ती साहब को लगा और वो मौके पे दम तोड़ गए। साथ एक राहगीर जो था ज़ुबैर, उसके पाँव पे लगा, उसकी हालत ख़तरे से बाहर है और वो DHQ में है। मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया है। PFSA और CR जो हमारी टीम्स हैं, वो CSU, वो मौके पर पहुँची हुई हैं और बाकी जो है कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म की कोई डिले नहीं हुई, ताखीर नहीं हुई और पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्ड किया। हमारे DSP साहब फौरन पहुंचे, मैं बखुद DPO मौके पे पहुंचा और इंशाल्लाह इसकी तफ्तीश जो है वो बिल्कुल मेरिट के मुताबिक होगी। और हुकूमत पंजाब का और पंजाब पुलिस का ये अज़म है कि जो गुनाहगार है उनको कानून के खटारे में हर सूरत में लाया जाएगा। शुक्रिया।